भारतीय वायुसेना के लिए 25 मार्च का दिन बेहद खास रहा। भारत ने इसी दिन अमेरिका में बने 4 चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए। इस लिहाज से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। चिनूक कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो कठिन हालातों में भी वायुसेना की मदद के लिए तैयार रहेगा। इसी बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग को रक्षा मंत्रालय ने 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी दिया है। ये सभी हेलीकॉप्टर वायुसेना की सैन्य ताकत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अमेरिका के साथ हुए इस सौदे के अनुसार प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और सहयोग से भारत की सैन्य क्षमता बढ़ती रहेगी। देश की रक्षा करने वाली वायुसेना को और स्ट्रांग बनाने के लिए यह सौदा हुआ है। लगभग $3.1 बिलियन में हुए इस सौदे की बदौलत ही देश को लेटेस्ट मॉडल के अपाचे और चिनूक भी मिलेंगे। इस बारे में बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट प्रत्यूष कुमार ने भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना में इन हेलीकॉप्टर के शामिल होने से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। चिनूक के कुछ हिस्से भारत में भी बन रहे हैं। इसके साथ ही अपाचे के भी पार्ट्स भारत में बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है कि यह चिनूक हेलीकॉप्टर पूरे विश्व भर में सिर्फ 19 देशों के पास है। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे देश शामिल हैं। वायुसेना में चिनूक के आने को लेकर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का कहना है कि हमारे देश के समक्ष सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां हैं। हमें विभिन्न क्षेत्रों में अधिक भार क्षमता की जरूरत है। धनोआ ने कहा कि वायुसेना समुद्र स्तर से लेकर बहुत अधिक ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड वाले सैन्य अड्डों पर भी काम करती है। ये हेलीकॉप्टर ऊंची जगहों तक सामान ले जाने की वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएंगे। ये हेलीकॉप्टर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस हेलीकॉप्टर की एक और खासियत ये है कि यह हर मौसम में उड़ान भर सकता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं और राहत अभियानों में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकेगा। शरणार्थियों को पहुंचाने के लिए भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह चिनूक वही हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका ने 2011 में इस्तेमाल किया था। इसी हेलीकॉप्टर से मोस्ट वांटेड और अलकायदा के प्रमुख ओसामा को मौत के घाट उतारा गया था। ओसामा को मारने में चिनूक बहुत कारगर साबित हुआ। यह हेलीकॉप्टर लेटेस्ट तकनीक से लैस है। इसकी तकनीक के कारण ही यह तेजी से उड़ान भरने में सक्षम भी है। अपनी उड़ान भरने की क्षमता के कारण घनी पहाड़ियों में भी बिना रुके और दिक्कतों के काम कर सकता है। चाहे कोई भी मौसम हो या फिर दुर्गम और ऊंचे इलाके, चिनूक हर जगह आसानी से उड़ान भरने में सक्षम है। आमतौर पर देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर को बड़े हेलीपैड की जरूरत होती है, मगर चिनूक आराम से किसी छोटे हेलीपैड पर भी सफलता से लैंड कर सकता है। इसे पहाड़ पर बनी घनी झाड़ियों के बीच लैंड करना भी आसान काम है। सेना के जानकार बताते हैं कि अगर ये चिनूक कारगिल युद्ध के समय भारत के पास होता तो कारगिल इतने लंबे समय तक नहीं चलता, सिर्फ 2 दिनों में ही युद्ध खत्म हो जाता। चिनूक ऊंचाइयों पर बनी पाक की चौकियों के पास भी हथियार और सामान आसानी से ले जाता। यह तो हुई पहले की बात, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसे यह सोचना पड़ेगा कि ऊंचाइयों पर चिनूक मौजूद है। HS न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।